भगवान गणेश सभी कार्यों के शुभारंभ हेतु आराध्य देव है। ज्ञान विज्ञान एवं कला से परिपूर्ण भगवान गणेश बुद्धि के देवता भी है। किसी भी धार्मिक कार्य के प्रारंभ में इनकी आराधना अनिवार्य है। किसी भी लेखन कार्य के प्रारंभ में इनका नाम अंकित करना शुभ माना जाता है। इन्हें अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे गणों के नायक गणपति, विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता आदि। भगवान भोले शंकर तथा माता पार्वती के पुत्र गणेश ने हमारी रक्षा करें देवताओं की विपत्तियों के समय रक्षा की थी। भगवान गणेश की आराधना हेतु अनेकों श्लोक रचे गए हैं। उनमें से एक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये एक परंपरा है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का प्रारंभ व कार्य की सफलता हेतु सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना की जाती है। शिव जी हिंदुओं में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान हैं। उनका अधिक समय तप करने में व्यतीत होता था। एक बार वो कैलाश से कहीं दूर तप कर रहे थे। महल की सुरक्षा हेतु मुझे अपने गण रखने होंगे। गण अर्थात सहायक। मैं स्वयं ही एक गण का निर्माण करूंगी। दूसरे दिवस जब पार्वती स्नान हेतु गई, वहाँ उन्होंने अपने शरीर के लेप से एक रूपवान बालक उत्पन्न किया। आहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। बालक ने देवी पार्वती को प्रणाम किया। माते, मेरे लिए क्या आदेश है? प्रिय पुत्र, ये दंड लेकर प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाओ। मैं स्नान हेतु जा रही हूँ। मेरी अनुमति के बिना किसी को भीतर मत आने देना। मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बालक प्रवेश द्वार पर खड़ा था। भगवान शिव आए एवं बालक को द्वार पर खड़ा देखकर चकित हो गए। इसे मैंने पूर्व में कभी नहीं देखा, ये कौन हो सकता है? शिव प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। ठहरो, ये माता पार्वती का आदेश है कि भीतर कोई प्रवेश नहीं करेगा। हाँ? अब बालक, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पार्वती का पति हूँ तथा कैलाश का स्वामी। आपके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी माता का आदेश है कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। कृपा करके आप जाइए यहाँ से। भगवान शिव क्रोधित होकर लौट आए तथा उन्होंने गणों को बुलाया। सुनो गणों, तुम सब जाकर पार्वती के महल की रक्षा करने वाले बालक को दंडित करो। गण उस बालक से युद्ध करने गए, परंतु शीघ्र ही सभी उस बालक के हाथों मारे गए। तत्पश्चात बालक पुनः अपने कर्तव्य पूर्ति हेतु द्वार पर खड़ा हो गया। देवताओं को जब इस विषय का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। शिव जी के पास चलते हैं। अवश्य हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं जब पार्वती से मिलने पहुंचा तो वहां द्वार पर एक बालक खड़ा था। ठहरिए, कौन हो आप? जाइए यहाँ से। भगवान शिव ने देवताओं को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तुम सब जाकर उस बालक को दंडित करो। अब मैं क्या करूं? चिंतित ना हो, मैं उससे वार्ता करता हूँ। वो एक बालक ही तो है। परम पिता ब्रह्मा शांति स्थापना हेतु बालक के समीप गए। देखो बालक, हमारी बात समझो। बालक ने उन पर अपने दंड से प्रहार किया। उसकी शक्ति का अनुमान लगाकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। हे महादेव, मैं असफल रहा। ये अत्यंत गंभीर बात है। उसने वार्ता न करके युद्ध का निमंत्रण दिया है। महादेव ने तुरंत नंदी को बुलाया। नंदी, मेरे गणों को साथ ले जाकर उस बालक को दंडित करें। अगले क्षण ब्रह्मा, विष्णु एवं नंदी अन्य गणों के साथ बालक से युद्ध हेतु चल पड़े।
अनेक गण युद्ध करने आए हैं। मेरे आराध्य ने इतने अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को एक छोटे से बालक से लड़ने हेतु भेजा है। मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पार्वती ने दो अलौकिक शक्तियाँ देवी काली एवं दुर्गा को उत्पन्न किया। देवी काली एवं दुर्गा, मैं आपको इन सभी का नाश करने का आदेश देती हूँ। आप देवताओं तथा गणों से मेरे पुत्र की रक्षा करें। दोनों महाशक्तियाँ अदृश्य हो गयी। देवी काली सभी शत्रुओं को मुख में समाहित करके पुनः उनसे शत्रुओं पर प्रहार कर देते। देवी दुर्गा ने आकाशीय विद्युत बनकर सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। देवगण तत्काल भाग कर कैलाश पहुंचे। हम परास्त हुए। अब ये मेरे लिए असहनीय हो गया है। उस बालक को अब मैं स्वयं दंडित करूंगा। देवताओं ने महादेव का अनुसरण किया। उस बालक ने पुनः आक्रमण प्रारंभ कर दिया। शिव उसकी शक्ति व साहस देखकर स्तब्ध हो गए। ये बालक कल्पना से अधिक शक्तिशाली योद्धा है। इसे केवल धूर्तता से ही परास्त किया जा सकता है। जैसे ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिव ने त्रिशूल से बालक की गर्दन धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। कुछ पल के लिए वातावरण शांत हो गया, किंतु अगले ही क्षण केवल भगवान शिव को छोड़कर सभी प्रसन्नचित हो उठे। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं पार्वती को कैसे मुख दिखाऊंगा? उनका पुत्र मेरा भी पुत्र था, मैंने उसका वध कर दिया। ये मुझसे अत्यंत ही तुच्छ व निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने आपके पुत्र का वध कर दिया। जब देवी पार्वती को ये ज्ञात हुआ, वे क्रोधित हो उठी। जिन देवताओं व गणों ने छल से मेरे पुत्र का वध कर दिया है, उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। क्रोधित होकर पार्वती ने देवी काली तथा दुर्गा को बुलाकर, देवी काली, देवी दुर्गा, शीघ्र जाकर उन देवताओं एवं गणों का वध कर दें। आज्ञा का पालन करने हेतु दोनों अदृश्य हो गई। देवी काली तथा देवी दुर्गा सबका वध करने लगी। देवगण पलायन करने लगे। अंततः परमपिता ब्रह्मा एवं विष्णु पार्वती के सम्मुख गए। माता पार्वती, हमें क्षमा करें, आप देवियों को वापस बुला लें। आप जो भी कहेंगी हम वही करेंगे। हम पर दया करें माते। मैंने पुत्र खो दिया। यदि आप सभी उसे जीवित करके सभी देवों में श्रेष्ठ स्थान दे तो मैं शक्तियों को बुला सकती हूँ, अन्यथा कदापि नहीं। महादेव, कृपया बालक को जीवित करके हमारा जीवन बचाएं। भगवान शिव दुखी तो थे ही, अतः उन्होंने शीघ्र ही इस बात को स्वीकार कर लिया। जाओ, उत्तर की ओर मुख किए हुए जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आओ, मैं बालक को पुनर्जीवित करूंगा। गण चतुर दिशा में निकल पड़े। शीघ्र ही उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखा। वे उसका शीश काटकर भगवान शिव के समक्ष ले आए। भोलेनाथ ने उस शीश को बालक के धड़ से जोड़कर कुछ मंत्र पढ़े। पुनर्जीवित भव। एवं बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे गहन निद्रा में था। शिव ने उसे पार्वती को सौंप दिया। पुत्र, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हूँ। पार्वती, मुझे क्षमा करें। ये वीर बालक जिसे आपने उत्पन्न किया अब मेरा भी पुत्र होगा। बालक, आज से तुम्हें मैं अपने सभी गणों का नायक बनाता हूँ। अब से लोग तुम्हें गणेश के नाम से पुकारेंगे। दूसरे देवों की आराधना से पूर्व अब तुम्हारी आराधना होगी। हम तुम्हें सभी बाधाओं को हरने वाला अर्थात विघ्नेश्वर कहकर पुकारेंगे। सुखी रहो,
धन्यवाद प्रभु। पुत्र, तुम सबका कल्याण करो। वर्षों पहले गजमुखासुर नामक एक दैत्य रहता था। अन्य दैत्यों के समान वो भी अत्यधिक शक्तिशाली बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। मैं शिव से वरदान पाने हेतु अपने पूर्वजों के समान घोर तपस्या करूंगा तथा मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें तपस्या से अवश्य प्रसन्न कर लूंगा। गजमुखासुर पर्वत के शीर्ष पर विराजमान होकर घोर तप करने लगा। अनेक वर्ष व्यतीत हुए, भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव उसके सम्मुख प्रकट हुए। सुनो गजमुखासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो। तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? गजमुखासुर ने नेत्र खोलकर देखा। हे प्रभु, आपको सम्मुख देखकर मैं धन्य हुआ, कृपया मुझे वरदान प्रदान करें। मांगो गजमुखासुर। मुझे वरदान दें कि मैं धनुष, बाण, परसा, गदा, तलवार तथा अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्रों आदि से न मारा जा सकूं। तथास्तु। भगवान शिव वरदान देकर अदृश्य हो गए। गजमुखासुर प्रसन्न हो उठा। अब किसी के लिए मेरा वध करना संभव नहीं है। गजमुखासुर ने देवताओं तथा सभी को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। देवता शिव के सम्मुख उपस्थित होकर सहायता मांगने लगे। चिंतित न हो, मैं अपने पुत्र गणेश को गजमुखासुर का वध करने हेतु भेजूंगा। शिव ने गणेश को बुलाया। पिताश्री, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? सुनो पुत्र, तुम्हें गजमुखासुर का वध करके इनके कष्टों का निवारण करना है। मुझे ज्ञात है पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का यथाशीघ्र पालन करूंगा। बालक गणेश कैलाश से गजमुखासुर से मिलने चल पड़ा। आप यहाँ क्यों आए हैं? अत्याचार करना समाप्त करो तथा शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करो। आपके परामर्श हेतु धन्यवाद। अब आप यहाँ से चले जाएं एवं अपना कार्य देखें। तो युद्ध करो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही। गणेश ने बाण, गदा एवं फरसे से उस पर प्रहार किया, परंतु कोई भी शस्त्र उसे छू न सका। सुनो अबोध बालक, तुम्हें ज्ञात नहीं कि शस्त्र मुझ पर निष्प्रभावी है। ये सुनकर गणेश ने बिना एक पल गंवाए अपना एक दांत तोड़कर उससे गजमुखासुर पर प्रहार किया। उसने तुरंत एक छोटे मूषक का रूप धारण करके गणेश पर आक्रमण किया। अच्छा, तुम्हें वश में करने का मार्ग तुमने स्वयं दिखा दिया। गणेश उसके निकट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वो निकट आया, गणेश उसकी पूंछ दबाकर उसी पर बैठ गए। गजमुखासुर ने अपने विशाल रूप में आने का अथक प्रयास किया, किंतु विफल रहा। मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, आपने मेरा दर्प समाप्त कर दिया। मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा गजमुखासुर। उसी समय से गजमुखासुर गणेश का वाहन बनकर सदैव उनके साथ रहने लगा। एक समय की बात है, गणेश चतुर्थी का दिवस था एवं गणेश ने सुंदर वस्त्र धारण किए थे। आह, आज तो अवश्य स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। भक्तों ने अत्यंत धूमधाम से गणेश का जन्म दिवस मनाया। उन्होंने गणेश के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किए। प्रतीत होता है आज मैं अत्यंत व्यस्त रहूंगा। गणेश ने अपने भक्तों के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार किया। अर्धरात्रि हो चुकी थी। वाह, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। वापस ले जाने हेतु उनका वाहन मूषक तैयार था। प्रस्थान करो। चंद्रलोक के निकट से जाते समय गणेश के मन में चंद्रदेव से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। चंद्रदेव ने देखा कि विशालकाय गणेश एक मूषक पर विराजमान है। उनका मूषक एक सर्प को देखकर थोड़ा घबरा गया और गणेश नीचे गिर गए।
चंद्रदेव इस अद्भुत दृश्य को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस अपमान ने गणेश को अत्यंत क्रोधित कर दिया। चंद्रदेव हंसना बंद करो। किंतु गणेश, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तब गणेश ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। हे चंद्रदेव, तुम्हें अपनी जिस सुंदरता एवं रूप पर अभिमान है, उसी सुंदर चेहरे को कोई भी गणेश चतुर्थी के दिवस पर नहीं देखेगा। यदि किसी ने भूल से भी देखा तो उसे उस भूल का दंड अवश्य प्राप्त होगा तथा वो अपयश का भागी बनेगा। चंद्रदेव को अपनी भूल की अनुभूति हुई। वो करबद्ध होकर गणेश के समक्ष प्रार्थना करने लगे। हे गणपति, कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें। कृपया आप अपना श्राप वापस ले लें। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। हे गणपति, दया करें। चंद्रदेव की प्रार्थना से गणेश कुछ शांत हुए। उन्होंने चंद्रदेव को ढाढ़स बंधाया। चंद्रदेव, तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया। तुम्हारे अहंकार का नाश होना अति महत्वपूर्ण था। किसी भी परिस्थिति में मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, किंतु मेरे श्राप के वश में जो भी व्यक्ति अपयश का भागी बनेगा, वो सामंतक मणि कथा सुनने के पश्चात अपने यश को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। धन्यवाद मेरे प्रभु। गणेश ने पुनः मूषक पर सवार होकर वहां से प्रस्थान किया। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में भी पूजित है, क्योंकि उनके भक्तों का विश्वास है कि वो सभी विघ्नों को हर लेते हैं। अनेक कथाएं हैं जो इस विश्वास को चरितार्थ करती हैं। उनमें से एक ये है। 10 शीश वाला रावण लंका का राजा था। वो अत्यंत पराक्रमी, शक्तिशाली एवं शिव भक्त था। कितनी भी व्यस्तता हो, कितना ही महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो, वो भगवान शिव की उपासना करना नहीं भूलता था। भगवान शिव की उस पर विशेष कृपा थी। एक दिवस, यदि मुझे तीनों लोकों का शासक बनना है तो मुझे भगवान शिव की आराधना करनी होगी। लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर घनघोर तप करने का निर्णय लिया। उसने एक पैर पर खड़े होकर शिव स्तुति की। कई मास व्यतीत हुए, परंतु भगवान शिव नहीं प्रकट हुए। अंततः रावण अपना धैर्य खो बैठा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना एक शीश काट दिया। आपको मेरा ये भेंट समर्पित है मेरे प्रभु। इसके पश्चात भी कुछ न हुआ। तब रावण ने अपना दूसरा शीश काटा, फिर तीसरा। इस प्रकार से रावण ने एक एक करके अपने 9 शीश काट डाले। अभी भी मेरे प्रभु संतुष्ट नहीं हुए। मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। रावण तलवार लेकर जैसे ही अपनी ग्रीवा काटने जा रहा था, अकस्मात मेघ गर्जना करने लगे एवं भगवान शिव प्रकट हुए। ठहर जाओ पुत्र, ये कार्य उचित नहीं है। रावण हर्ष से झूम उठा। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें अतुलनीय शक्तिशाली होने का वचन देता हूँ। साथ ही मुझको समर्पित तुम्हारे ये कटे हुए 9 शीश पुनः जुड़ जाएंगे। कुछ ही क्षणों पश्चात रावण को अपने भीतर अतुलनीय शक्ति व पराक्रम का संचार होता प्रतीत हुआ। वरदान मांगो प्रिय रावण। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप लंका को अपना निवास स्थान बनाए। भगवान शिव असमंजस में पड़ गए, किंतु वो वचन दे चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना प्रतिरूप आत्मलिंग देता हूँ, जो मेरे ही समान कई प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण है। तुम इसे अपने साथ लंका लेकर जाओ। इसे मेरा ही रूप मानकर तुम इसकी स्तुति करो। इससे तुम्हें असीमित शक्ति एवं समृद्धि मिलेगी।
अब मैं इसका भार नहीं उठा सकता, इसे भूमि पर रख रहा हूँ। महर्षि अगस्त्य कमंडल चट्टान पर रखकर विश्राम करने लगे। इससे पूर्व कि महर्षि कुछ समझ पाते, उसने पंजा मारकर बहुमूल्य जल गिरा दिया। मेरा पुत्र मात्र अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, किंतु आप इतने क्रोधित हो गए कि आपने उसका वध ही कर डाला। जैसे ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिव ने त्रिशूल से बालक की गर्दन धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। वे उसका शीश काटकर भगवान शिव के समक्ष ले आए। भोलेनाथ ने उस शीश को बालक के धड़ से जोड़कर कुछ मंत्र पढ़े। मुझे वरदान दें कि मैं धनुष, बाण, बरसा, गदा, तलवार तथा अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्रों आदि से न मारा जा सकूं। तथास्तु। हे चंद्रदेव, तुम्हें अपनी जिस सुंदरता एवं रूप पर अभिमान है, उसी सुंदर चेहरे को कोई भी गणेश चतुर्थी के दिवस पर नहीं देखेगा। तुम इसे अपने साथ लंका लेकर जाओ। इसे मेरा ही रूप मानकर तुम इसकी स्तुति करो। इससे तुम्हें असीमित शक्ति एवं समृद्धि मिलेगी। तत्क्षण ही उन्होंने रावण को चेतावनी दी। रावण, इस आत्मलिंग को एक क्षण के लिए भी भूमि पर न रखना। यदि तुमने इसे रख दिया तो पुनः न उठा पाओगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। रावण के हाथ में आत्मलिंग देखकर देवता चिंतित हो गए। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उन्हें गणेश याद आए। गणेश के सम्मुख जाकर देवताओं ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। हे गणनायक, आत्मलिंग से रावण अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। मैं रावण को शिव जी का आत्मलिंग नहीं ले जाने दूंगा, आप चिंतित न हो। भगवान शिव ने आत्मलिंग को भूमि पर रखने से मना किया है। इस आत्मलिंग को अपने हाथ में रखकर मैं संध्या वंदना कैसे करूंगा? तथा इस स्थान पर मुझे कोई दृश्य भी नहीं हो रहा जो मेरी सहायता करे। वो निरंतर विचार करता रहा। मैं रावण की कठिनाई समझ गया हूँ, उसकी सहायता करता हूँ। गणेश उसके सम्मुख एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। रावण उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ एवं उन्हें बुलाकर कहा, सुनो बालक, क्या तुम मेरे संध्या वंदन करने तक इस आत्मलिंग को पकड़े रहोगे? ये अति भारी प्रतीत होता है, तुम इसे भूमि पर रखकर वंदना कर लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसे भूमि पर नहीं रख सकता। मेरे लौटने तक इसे अपने हाथों में पकड़कर खड़े रहो। ठीक है, इसे पकड़ लेता हूँ, किंतु यदि मैं यहाँ थक गया तो 3 बार पुकारूंगा, तुम्हें तत्काल यहाँ आना होगा। यदि तुम नहीं आए तो इसे नीचे रख दूंगा। ठीक है। मान्यवर, आपका परिचय? मेरा नाम रावण है, स्मरण रहे। रावण ने सांध्य वंदना हेतु जैसे ही नदी में प्रवेश किया, गणेश ने उसे उच्च स्वर में पुकारना प्रारंभ कर दिया। रावण, ये अति भारी है। बालक की पुकार सुनकर रावण ने उसे तीक्ष्ण नेत्रों से देखा। वो सांध्य वंदना पूर्ण करके ही वापस आ सकता था, अतः बोला, बालक, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, उसे पकड़े रखो एवं उसे भूमि पर कदापि मत रखना। जिस समय रावण देवताओं को जल अर्पित कर रहा था, सुनो रावण, अब मैं इसका भार नहीं उठा सकता, इसे भूमि पर रख रहा हूँ। इतना कहकर गणेश आत्मलिंग को भूमि पर रखकर अदृश्य हो गए। रावण सांध्य वंदना करके वापस दौड़ता हुआ आया। उसका भय सत्य होकर उसके समक्ष था। शिव का आत्मलिंग जड़वत हो गया था। रावण ने अत्यंत प्रयास किया, परंतु वो रंच मात्र भी नहीं हिला। रावण को आत्मलिंग ले जाने से रोकना आसान कार्य न था, किंतु गणेश ने इसे सरलता से कर दिया। कैलाश पर्वत पर एक रमणीय दिवस था। प्रकृति अपने पूर्ण उल्लास पर थी। वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से आच्छादित थे। चतुर्दिक सौंदर्य व्याप्त था।
गणेश भगवान शिव तथा पार्वती के साथ कैलाश पर विचरण कर रहे थे। यद्यपि कैलाश पर चारों ओर सौंदर्य व्याप्त था, किंतु गणेश को ये मनोहारी दृश्य रंच मात्र भी आकर्षित न कर सके। सब व्यर्थ है, मेरे साथ क्रीड़ा हेतु कोई नहीं है। मेरे माता पिता तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। अकस्मात उन्हें एक बिल्ली का स्वर सुनाई पड़ा। मुझे क्रीड़ा हेतु साथी मिल ही गया। गणेश ने बिल्ली की पूंछ पकड़ ली। बिल्ली ने पूंछ छुड़ाकर भागने का अथक प्रयास किया। अब गणेश उसे निरंतर पकड़ते व छोड़ देते। वो उससे इस प्रकार से खेलने लगे, यहाँ तक कि उसे कीचड़ में भी डुबो दिया। उसके संपूर्ण शरीर में कीचड़ लग गया। वो उपवन से निकलकर माता पार्वती से मिलने उनके पास पहुँचे। आह, मैं ये पीड़ा नहीं सह सकती, कदापि नहीं। आह। माता, ये आपके साथ क्या हुआ? ये सब किसने किया? वो तुम हो मेरे पुत्र, कोई अन्य नहीं, मात्र तुम। मैं आप पर कीचड़ लगाने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ माते? आप ऐसा विचार अपने मन में कैसे ला सकती हैं? क्या तुमने मुझे नहीं पकड़ा? क्या मेरी पूंछ पकड़कर तुमने मुझे नहीं उठाया था? मुझे कीचड़ में भी डुबोया? जब पार्वती ये बोल रही थी, अति सुंदर गणेश को बिल्ली के साथ की सभी घटनाएं याद आने लगी और उन्हें ये समझ में आने लगा कि उनकी माँ क्या कहना चाहती थी। मुझे क्षमा करें, मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज के पश्चात मैं किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। पार्वती मुस्कुराई एवं पुनः पूर्ववत रूपवती हो गई। ये ज्ञान मात्र तुम्हारे हेतु नहीं है, सबके लिए है। जीवों के प्रति निर्दयता नहीं दिखानी चाहिए, चाहे वो जीव निर्बल हो या उपेक्षित। जैसी आपकी इच्छा। कावेरी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके जन्म की कथा भगवान गणेश की विलक्षण प्रतिभा से जुड़ी हुई है। वर्षों पूर्व सुरपद्म नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। पूरे त्रिलोक में उसका आतंक व्याप्त था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं को अपना दास बना लिया था। मैं तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। देवराज इंद्र भी अब मेरे दास बन चुके हैं। इंद्र इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। मुझे यहाँ से तुरंत ही पलायन करना चाहिए। उचित अवसर देख इंद्र वहाँ से पलायन कर गए व श्री गढ़ में छिप गए। मुझे इस स्थान पर एक उपवन निर्मित करके शिव की स्तुति करनी चाहिए, मात्र वो ही हमारी सहायता करेंगे। इंद्र कहाँ छिप गया? मुझे अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके देखना होगा कि वो कहाँ है। सुरपद्म ने देखा कि इंद्र सहायता हेतु शिव की स्तुति कर रहा है। मूर्ख प्राणी, सोचता है कि शिव उसकी सहायता करेंगे। उसे मेरी अतुल्य शक्ति का भान नहीं। मैं अभी ही उसे अपनी शक्ति का नमूना दिखाता हूँ। सुरपद्म ने तुरंत वरुण को बुलाया। आपने मुझे क्यों बुलाया? वरुण, मेरा आदेश है, अब से तुम दक्षिण की भूमि पर बरसना बंद कर दो। परंतु मेरा आदेश मानो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वरुण असहाय थे, उन्होंने दक्षिण भारत पर बरसना बंद कर दिया। शीघ्र ही वहां भयंकर अकाल पड़ गया। जल के अभाव से पशु मरने लगे, जीवन यापन अत्यंत कठिन हो गया। उन्हीं दिनों महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत पहुंचे। ओह, मैं सूर्य की तीक्ष्ण ऊष्मा सहन नहीं कर पा रहा। यत्र तत्र दृष्टिपात से ज्ञात होता है कि यहाँ दीर्घ काल से वर्षा नहीं हुई। यहाँ के निवासियों हेतु मुझे कुछ करना होगा। ब्रह्मा की स्तुति करनी होगी। महर्षि अगस्त की स्तुति से
परम पिता ब्रह्मा प्रकट हुए। महर्षि, आपको आशीर्वाद है। हे सृष्टि के रचयिता, यहाँ के निवासियों का संकट दूर करें। हे महर्षि, महादेव के समीप जाकर उनसे पवित्र गंगा का किंचित जल ले, उससे आप नई नदी प्रवाहित करके इस उष्ण तथा सूखी धरती को बचा पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। महर्षि अगस्त्य कई दिवस की यात्रा के पश्चात कैलाश पर्वत पहुंचे। आइए महर्षि, आपका स्वागत है। आने का उद्देश्य बताएं। हे प्रभु, पवित्र गंगा की कुछ बूंदें देकर उस सूखी धरती को कृपया हरा भरा करें तथा वहां के अनगिनत लोगों के कष्टों को हर लें। ऐसा ही होगा। भगवान शिव ने कमंडल में गंगा जल भरकर महर्षि अगस्त्य को दिया। इसे लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान करें। जहां आपको उचित स्थान मिले वहीं इस जल को प्रवाहित कर दें। उस स्थल से एक नई नदी का उद्गम होगा जो सबके कष्ट दूर करेगी। धन्यवाद प्रभु। महर्षि अगस्त्य दक्षिण की ओर उचित स्थान को ढूंढने हेतु चल पड़े। अनेकों स्थलों पर भ्रमण के पश्चात भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। दिवस बीतते गए, धरती और सूखती गई। बुद्ध के देवता गणेश ये सब देख रहे थे। इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। महर्षि अगस्त्य कूट नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ अत्यधिक उष्णता है। मैं बहुत थक गया हूँ, तनिक विश्राम कर लेता हूँ। महर्षि अगस्त्य कमंडल चट्टान पर रखकर विश्राम करने लगे। उसी क्षण एक विशाल काय काक उड़ता हुआ वहां आया। इससे पूर्व कि महर्षि कुछ समझ पाते, उसने पंजा मारकर बहुमूल्य जल गिरा दिया। महर्षि अगस्त्य आश्चर्य से उस तेज बहते हुए जल को देखते रहे जो बंजर धरती पर बह रहा था। वे क्रोधित होकर श्राप देने ही वाले थे। इससे पूर्व कि महर्षि अगस्त्य का श्राप पूर्ण होता, एक चमत्कार के साथ भगवान गणेश प्रकट हो गए। सुनिए महान ऋषि, आप मुझे श्राप न दें, विश्वास कीजिए, मेरा कोई दोष नहीं। मैंने जो भी किया वो नदी की स्थापना हेतु किया, स्वयं देख लीजिए। महर्षि आसपास की बंजर धरती पर हरियाली देखकर आनंदित हो उठे। विस्तृत और विस्तृत, हाँ, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। बताइए ऋषिवर, क्या मैंने कोई अनुचित कार्य किया है? नहीं मेरे प्रभु, आपने जो स्थान चुना है वो सर्वोचित है। प्रतीत होता है कि यदि मैं दूर दूर तक भी ऐसा स्थान ढूंढने का प्रयास करता तो नहीं ढूंढ पाता। परशुराम मूलतः भार्गव कहलाते थे। उन्होंने सभी क्षत्रियों को समूल नष्ट करने का निश्चय किया, क्योंकि उनके पिता का वध एक क्षत्रिय राजा के हाथों हुआ था। मुझे तप करके शस्त्र प्राप्त करना होगा जिससे मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकूं। भार्गव ने तप किया एवं भगवान शिव प्रकट हुए। भार्गव, अपने नेत्र खोलो। हे भगवान, मैं अत्यंत भाग्यवान हूँ, कृपया शस्त्रों के रहस्य के विषय में मुझे ज्ञान दें। मैं तुम्हें एक शस्त्र देता हूँ। भगवान शिव ने दैवी शक्ति युक्त परशु दिया। आज से तुम परशुराम के नाम से जाने जाओगे। इसके द्वारा मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकूंगा। परशुराम ने सभी क्षत्रियों का वध करके इस पाप से मुक्ति हेतु तपस्या की। एक दिवस मैं भगवान शिव का हार्दिक रूप से ऋणी हूँ, मुझे उनका आभार प्रकट करना होगा। इसके पश्चात वो कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कई दिवस चलने के पश्चात
वो कैलाश पहुंचे। प्रवेश द्वार पर ही उन्होंने रूपवान शिव पुत्र गणेश को देखा। प्रणाम, मुझे प्रभु शिव से मिलना है। मुझे क्षमा करें, आप भीतर नहीं जा सकते। मेरे पिताश्री विश्राम कर रहे हैं, उनकी अनुमति के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ तथा वो मेरे गुरु हैं। आदरणीय गुरु के दर्शन हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं इतनी दूर से मात्र उन्हीं के दर्शन हेतु आया हूँ, कृपया मुझे भीतर जाने दो। मैं समझता हूँ, परंतु मुझे खेद है, आप नहीं जा सकते। मैं वचन देता हूँ कि मैं उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। उनके चरण स्पर्श कर मैं शीघ्र ही वापस लौट जाऊंगा। आप मेरी बात सुनिए, किसी भी परिस्थिति में आप अंदर नहीं जा सकते। आप मेरे पिताश्री की अवमानना कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। गणेश ने परशुराम को धरती पर गिरा दिया। क्रोधित होकर परशुराम ने परश से गणेश पर प्रहार किया। गणेश ने सोचा, ओह, ये शस्त्र मेरे पिता द्वारा प्रदत्त है, इसका मान रखना होगा। शीश पर परश लगने के कारण गणेश मूर्छित होकर गिर पड़े। कोलाहल सुनकर भगवान शिव व देवी पार्वती ने बाहर आकर गणेश को देखा। परशुराम को अपनी भूल की अनुभूति हुई। आपको ज्ञात भी है कि आपने क्या किया? मेरा पुत्र मात्र अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, किंतु आप इतने क्रोधित हो गए कि आपने उसका वध ही कर डाला। ऐसा क्यों किया? माते, कृपया मुझे क्षमा कर दें, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। इसी मध्य भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। हे गणेश, कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश ने परशुराम को क्षमा ही नहीं किया, अपितु उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वैभव के देवता कुबेर स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करते हुए विचार कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी मेरे समकक्ष नहीं है। उन्होंने अपने वैभव से शिव को प्रभावित करना चाहा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। आइए, आपका स्वागत है कुबेर। प्रभु, मैं आप दोनों को अपने महल में रात्रि भोज हेतु आमंत्रित करने के उद्देश्य से आया हूँ। मैं आपके आगमन का अर्थ समझता हूँ कुबेर। ये आमंत्रण प्रेम व श्रद्धा पूर्वक नहीं है, अपितु अहंकार से पूरित है। आपको सत्य का बोध कराना आवश्यक है। क्षमा करें कुबेर, हम रात्रि भोज में नहीं आ सकते। नहीं प्रभु, आप ऐसा न कहें। मैंने सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था कर ली है। यदि आप मेरे महल में नहीं आए तो मुझे अत्यंत निराशा होगी प्रभु। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेजता हूँ। भगवान शिव ने गणेश को बुलाया। कुबेर बालक को देखकर उलझन में पड़ गए। ये बालक कैसे मेरे वैभव संपत्ति की प्रशंसा करेगा? मैंने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाए हैं, ये बालक कितना खा पाएगा? गणेश, इधर आओ। कुबेर तुम्हें रात्रि भोज हेतु अपने महल में ले जा रहे हैं। अपने मित्रों को साथ ले लूं? अवश्य बालक, जितने चाहो साथ ले लो। तब तो मैं अवश्य चलूंगा। दोनों महल पहुंचे। गणेश को भोजन के स्थान पर ले गए। गणेश, अपना स्थान ग्रहण करो। स्थान ग्रहण किया तथा चावल से भोजन प्रारंभ किया। गणेश आनंदित होकर खाने लगे। वाह, अति स्वादिष्ट भोजन है। जब तैयार किया हुआ भोजन शीघ्रता से समाप्त होने लगा तो कुबेर चिंतित हो गए। भोजन हो गया? नहीं, मेरी क्षुधा अभी शांत नहीं हुई, मैं अभी और भोजन करूंगा।
गणेश अनवरत भोजन करते रहे। गणेश ने बिना सेवकों की प्रतीक्षा किए चावल, दाल, अनाज, सब्जी, फल आदि सब कुछ खाना प्रारंभ कर दिया। जब वो इतना सब कुछ खा चुके तो उन्होंने भोजपत्रों, आसनों एवं अन्य सभी वस्तुओं को खाना प्रारंभ कर दिया। गणेश जी कृपया भोजन बंद कर दीजिए, मेरे पास अब कुछ शेष नहीं रहा। तुमने क्षुधा शांत करने का वचन दिया था, वचन भंग किया तो मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर ली है एवं ये प्रतियोगिता मैंने जीत ली है। जिनकी तुम उपासना करती हो वो महान शिव ही तुम्हारे पति होंगे। श्री हरि विष्णु तथा अपने गणों के साथ दक्ष के महल में पधारे। शिव का सती के साथ विवाह संपन्न हुआ। मैं अब तक का सबसे महान यज्ञ करूंगा। अब मैं इसका भार नहीं उठा सकता, इसे भूमि पर रख रहा हूँ। इतना कहकर गणेश आत्मलिंग को भूमि पर रखकर अदृश्य हो गए। हे महर्षि, महादेव के समीप जाकर उनसे पवित्र गंगा का किंचित जल ले, उससे आप नई नदी प्रवाहित करके इस उष्ण तथा सूखी धरती को बचा पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। जहां आपको उचित स्थान मिले वहीं इस जल को प्रवाहित कर दे, उस स्थल से एक नई नदी का उद्गम होगा। मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जो भी किया वो नदी की स्थापना हेतु किया, स्वयं देख लीजिए। महर्षि आसपास की बंजर धरती पर हरियाली देखकर आनंदित हो उठे। कुबेर तुम्हें रात्रि भोज हेतु अपने महल में ले जा रहे हैं। तुमने क्षुधा शांत करने का वचन दिया था, वचन भंग किया तो मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। कुबेर सहायता हेतु भागकर भगवान शिव के निकट पहुंचे। प्रभु चिंतित न हो कुबेर, आपको भूल का ज्ञात हुआ, मैं प्रसन्न हूँ। ये लीजिए चावल से भरा ये पात्र, आप उसे खाने को दे दें। इन्हें खाकर वो प्रसन्न होंगे तथा आपको आशीर्वाद देंगे। कुबेर अपने महल लौट आए। कृपया मुझे क्षमा करें, इसे ग्रहण करें एवं मुझे आशीर्वाद दें। गणेश ने पात्र लेकर जैसे ही चावल ग्रहण किया उनकी क्षुधा शांत हो गई। कुबेर के नेत्रों से प्रसन्नता के अश्रु बह निकले। दोनों भ्राताओं में अत्यंत प्रेम है। अवश्य, आपने सत्य कहा। भगवान शिव तथा देवी पार्वती वार्ता कर रहे थे तभी नारद मुनि का आगमन हुआ। नारायण नारायण। पधारिए देवर्षि, आपका यहाँ स्वागत है। स्वागत है देवर्षि। प्रणाम स्वीकार करें। आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? मेरे प्रभु, इस समय मेरे पास एक अप्राप्य फल है, मेरे विचार से इसे स्वयं न खाकर आपको देना श्रेयकर होगा, इसे स्वीकार करें प्रभु। नारद मुनि ने भगवान शिव को फल दिया। फल लेने के पश्चात एक पल भगवान शिव ने कुछ सोचा। उत्तम तो ये होगा कि ये फल जगत जननी देवी पार्वती को दिया जाए जो देवी अन्नपूर्णा है। अतः पार्वती आप इस फल को ग्रहण करें, लीजिए। देवी पार्वती ने उस फल को अपने पुत्र हेतु रख लिया। प्रभु मेरे विचार से ये उत्तम होगा कि इसे मेरे पुत्र खाएं, अतः आप उन्हें बुलाकर ये फल दे दें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश एवं कार्तिकेय को बुलाया। माते क्या आदेश है? पुत्रों नारद ये फल लेकर आए हैं। आहा, मुझे फल प्रिय है, मुझे दीजिए माते। माते इसे मुझे दीजिए। नहीं माते, मुझे दीजिए। आप फल मुझे ही देंगी ना, है ना माते? हे देवर्षि, क्या आप इसी उद्देश्य से ये फल लाए? नारायण नारायण। जी नहीं, मेरा ये उद्देश्य कदापि नहीं था। कोई बात नहीं, मैं इसे दो टुकड़ों में काट देती हूँ। नहीं 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 माते,
जो इसे संपूर्ण रूप में खाएगा उसी हाँ। को इसकी शक्ति मिलेगी। काटने पर तो ये तत्वहीन हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं नारद? आपने हमें संकट में डाल दिया, अब हम क्या करें? मैं कनिष्ठ हूँ, अतः ये फल मुझे दीजिए माते। मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ माते, और आपका दुलारा भी हूँ, अतः ये फल मुझे दीजिए। प्रभु, अब आप ही इसका निराकरण करने में सहायता करें। ठीक है, मैं एक प्रतियोगिता रखता हूँ, जो जीतेगा उसे ही फल मिलेगा। आप जो भी कहेंगे हमें स्वीकार है। हाँ, मुझे भी, प्रतियोगिता तो मैं जीत कर रहूंगा। ठीक है, तुम दोनों पूरे ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करो, जो प्रथम आएगा ये फल उसी को मिलेगा। इतनी आसान प्रतियोगिता, मैं अभी परिक्रमा करके आता हूँ। कार्तिकेय बिना गणेश को देखे अपने वाहन मोर पर सवार होकर शीघ्रता से परिक्रमा हेतु निकल पड़े। गणेश सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये तो बड़ी विचित्र समस्या है, मेरा वाहन तो कार्तिकेय के मोर को कभी परास्त नहीं कर पाएगा, मुझे कुछ करना ही होगा। अकस्मात गणेश के नेत्र चमक उठे, उन्होंने भगवान शिव तथा माता पार्वती की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की। माते, मैंने ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा पूर्ण कर ली है, अतः अब मुझे वो फल मिल सकता है। भगवान शिव व देवी पार्वती ने एक दूसरे को देखा। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा की? तुम तो कैलाश छोड़कर भी नहीं गए। ब्रह्मांड की परिक्रमा हेतु ये आवश्यक नहीं है कि मुझे कैलाश छोड़ना पड़े। वेद एवं पुराण सभी ये कहते हैं कि माता पिता ही ब्रह्मांड हैं। अतः मेरा भी यही मानना है कि आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर ली है एवं ये प्रतियोगिता मैंने जीत ली है। गणेश ने जो बात कही उसे दोनों ने सत्य माना तथा उन्हें विजयी घोषित किया। पुत्र गणेश, ये फल अब तुम्हारा हुआ। उसी क्षण कार्तिकेय ने प्रवेश किया तथा गणेश के हाथ में फल देखकर वो क्रोधित हो उठे। ये आप क्या कर रहे हैं? उसे फल कैसे मिल गया? मैंने तो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हुए नहीं देखा, फिर ये विजयी घोषित कैसे हो गया? हमारी परिक्रमा कर इसने हमें बताया कि ये ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर है। ओह, यदि ये सत्य है तो आप इसकी विजय में उत्सव मनाइए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर कार्तिकेय वहाँ से चले गए तथा एक पर्वत पर निवास करने लगे। देवी काली सभी शस्त्रों को मुख में समाहित करके पुनः उनसे